परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में आए हैं करतल ध्वनि से, इनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तुम्हारा साइन है? ये मैं ऑप्शन कर देता हूँ, चलेगा? कैसी हो आप? अब आपका पेट का दर्द ठीक हो गया? एकदम परफेक्ट जी सर। अच्छा, आपके आशीर्वाद से। चलिए बहुत आगे बढ़िए। थोड़े निराश हो गए थे। चलिए होता रहता है, लेकिन बहुत काम किया आपने। कुछ हो एकदम निराश थे। मम्मी पापा प्रसन्न है? वाह वाह। से ये मैं ऑप्शन करूँगा, पड़ गया। तुम्हें तो पैर का भी हाल खराब था, आकर के कुछ किया क्या? अभी भी अभी घूम रहे हो? ठीक हो एकदम? आसाम हो? एक दे। मैंने एक्सपेक्ट भी किया, लेकिन ये पहनूंगा मैं तो पॉलिटिक्स की, मैं लोग कहेंगे कि अब मोदी कुछ गड़बड़ करने वाला है। मैं इसको ऑक्शन कर सकता हूँ ताकि मैं इसमें से कुछ सेवा के काम करता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शान रखी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक दिन तो बात हुई थी, तुम जा रहे थे। बिल्कुल सर, सबका सिग्नेचर है। बहुत बधाई। नाउ कैन यू स्पीक पंजाबी और नॉट? उपेंद्र पाल सिंह। कितने हाइट है? तो वॉलीबॉल बने गए। अच्छा नीरज, ये बताइए, सचमुच मैं बड़ा मेरे लिए सरप्राइज था कि जब तुमने सेकेंड बार अपना किया तो तुमने विक्टरी के मूड में आ गए और एकदम विक्टरी तुम सेलिब्रेट करने लग गए। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, पूरी जानकारी लगती है तब संभव होता है, और खिलाड़ियों के संबंध में भी जानकारी होगी क्या हो रहा है, तो कैसे कैसे संभव हुआ? सर, जब वो थ्रो में जो एफर्ट लगता है, क्योंकि इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, तो वो एफर्ट बता देता है कि हाँ ये बेस्ट थ्रो है। और सबसे बड़ी बात है जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रेनिंग से आता है सर, ट्रेनिंग इतने अच्छे से हुई थी इतने साल, तो इसलिए कॉन्फिडेंस था। और सचमुच में आपने देश की बेटियों को बहुत प्रेरित किया है और खेल में इंटरेस्ट, ये ओलंपिक अपने देश में है, मेडल से ज़्यादा खेल के प्रति माँ बाप का विश्वास बढ़ेगा। पहले तो क्या था, एक आध खिलाड़ी की रुचि होती वो कर लेता, लेकिन माँ बाप अरे पढ़ाई करो, जाओ छोटे भाई को जरा उसको संभालो, देखो पापा आने का समय हो गया, तुम घर में रहो, ऐसा सब होता था। अब बदलेगा, इस ओलंपिक के बाद माँ बाप चाहेंगे कि बच्चों की अगर रुचि खेलकूद में है तो उनको मदद करो, प्रोत्साहन करो। और जब आज़ादी के 75 साल हुए हैं तो मैं आपसे, क्योंकि आप खेलकूद के व्यक्ति हैं और जो आपकी महारत है वही चीज आप करें, ये मेरी अपेक्षा है।
2023 15 अगस्त करीब करीब 2 साल आपके पास होंगे, क्या इस 2 साल में एक एक खिलाड़ी, यानी ऐसा नहीं पूरी हॉकी की टीम, ऐसा नहीं, हॉकी का सब खिलाड़ी, क्या कम से कम आपको जहां पसंद हो 75 स्कूल्स में आप विजिट कर सकते हैं, यानी एक एक प्लेयर स्कूल वाले बुलाएं तो अच्छी बात है, वरना आप खुद स्कूल वालों को कहिए कि मैं आपके बच्चों के साथ 1 घंटा मैं बिताना चाहूँ या बिताना चाहूँ। अगर एक खिलाड़ी जाकर के बच्चों को कहते हैं कि आपको एक खाना चाहिए, दूसरा आप किसी भी खेल के खिलाड़ी हो सकता है उस स्कूल में वो खेल नहीं होगा, लेकिन क्या आप 10 मिनट 15 मिनट मैदान में उस स्कूल के बच्चों के साथ कोई भी खेल खेलेंगे क्या? आप कल्पना नहीं कर सकते उनके जीवन में कितना बड़ा प्रेरक होगा, चाहे वह कबड्डी खेल लीजिए, खो खो खेल लीजिए, अगर वॉलीबॉल चलता है वॉलीबॉल खेलिए, 10 मिनट उनके साथ खेलिए, वो बच्चे जीवन भर सोचेंगे कि ओलंपिक में जो खेल करके आए थे उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला, वही बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मैं आपसे ये 2 चीजें मांगता हूं, देंगे आप लोग? पक्का देंगे? लेकिन आप मुझे फोटो वहां की स्कूल की अपलोड करना, तो आप 75 स्कूल की आपकी फोटो मैं देखूंगा, उसमें भाषण देता हुआ देखूंगा, भाषण का वीडियो भी दे सकते हैं, और खेल खेल रहे हैं बच्चों के साथ वो भी मैं देखना चाहूंगा, तो करेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरा सुझाव है कि आपने टोक्यो में गए, कई खिलाड़ियों से बातचीत हुई होगी, वहां की व्यवस्थाएं देखी होगी, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, व्यवस्थाओं में क्या बदलाव करना चाहिए, हमारी प्रक्रियाओं में क्या बदलाव करना चाहिए, अगर आप कोई लिखित नोट मुझे भेजेंगे तो ऐसी नोट अगर आप मुझे भेजेंगे, मैं पक्का मानता हूं कि सरकार को ये निर्णय करने में बहुत मदद होगी, क्योंकि जब खिलाड़ी बताता है तो उसमें जमीनी हकीकतें होती है और इसलिए करेक्शन की संभावना भी बहुत रहती है, तो आप इसको करें, यही मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।